अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट क्लास बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को डिस्कस किया था, पहले हम लोगों ने प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने प्रोटीन्स को सिंपलर से कॉम्प्लेक्स लेवल के हिसाब से डिवाइड किया था या क्लासिफाई किया था। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जिनका सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था उनको रखा था, फिर उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जिनका स्ट्रक्चर था उनको सेकेंडरी में, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वालों को टर्शरी में, और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाली प्रोटीन्स को हमने क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्लासिफाई किया था। बट कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड डाइवर्सिटी इन देयर फंक्शंस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लासिफाई प्रोटीन्स इन अ सिंगल वेल डिफाइंड फैशन। क्योंकि प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। उसके अलावा फंक्शनल पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रोटीन्स के मल्टीपल फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो इस वजह से प्रोटीन्स को किसी भी एक सिंगल बेस पर क्लासिफाई करना इम्पॉसिबल है, बल्कि मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे पहले हमने प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। इसी तरह से प्रोटीन्स को उनके फंक्शंस के एतबार से भी क्लासिफाई किया जाता है। तो देखते हैं कि स्ट्रक्चर की बेस पर प्रोटीन्स को हम कितनी क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। सो देयर आर बेसिकली टू क्लासेस जिसमें हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज फाइब्रस प्रोटीन्स एंड द सेकेंड वन इज ग्लोबुलर प्रोटीन। सो ये कंप्लीट टॉपिक आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हाउ प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है राइट अ नॉट शॉर्ट नोट ऑन फाइब्रस प्रोटीन्स। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो अब हम देखते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होती हैं। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ब्रीफली। दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिल्स। अब उन्होंने कहा कि इसमें एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं दैट आर इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिल्स। अब फाइब्रिल्स हमारे पास क्या होते हैं? फाइब्रिल्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास कोलेजन प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये ट्रिपल हेलिक्स बन रहा है। तीन पेप्टाइड चेन्स हैं, ये 1, 2 और 3। तो ये तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में मिलकर क्या बना रही हैं? ट्रिपल हेलिक्स बना रही हैं। तो ये एक पेप्टाइड चेन को हम यहाँ पर एक फाइब्रिल कहते हैं। तो इसमें मल्टीपल पेप्टाइड चेन्स भी हो सकती हैं, सिंगल पेप्टाइड चेन्स भी होती हैं। दे फॉर्म फाइब्रिल्स मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। फर्दर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या आ जाता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दम। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो यूजली इनका कौन सा, अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। मतलब यूजली या तो इनमें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है या फिर बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होता है। जैसे अभी हमने देखा कि कोलेजन प्रोटीन में कौन सा स्ट्रक्चर था? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर था। सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाती है, दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया। अब आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं? हमारे नेल्स में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कैरेटिन प्रोटीन। कैरेटिन प्रोटीन असल में एक फाइब्रस प्रोटीन है। अब हमारे नेल्स कभी भी पानी में सॉल्युबल नहीं होते, तो उससे आप याद रख सकते हैं वो क्यों नहीं पानी में सॉल्युबल होते, क्योंकि उनमें मौजूद प्रोटीन पानी में इनसॉल्युबल है। तो इस तरह से दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया। थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है, दे आर नॉन क्रिस्टलाइन एंड आर इलास्टिक इन नेचर। सो ये नॉन क्रिस्टलाइन तो होते ही हैं, साथ ही कह रहे हैं दे आर इलास्टिक इन नेचर। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, हमारे मसल्स में एक प्रोटीन पाई जाती है जो कि अभी हम आगे एग्जांपल्स में भी देखेंगे। वो प्रोटीन असल में एक फाइब्रस प्रोटीन है। हमारे मसल्स इलास्टिक हैं, फ्लेक्सिबल हैं, जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो उसी से आप याद रखेंगे दे आर इलास्टिक इन नेचर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल्स इन सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म, कि वो सेल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में और इसी तरह से ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मस्कुलर प्रोटीन मायोसिन जो है वो मसल्स बनाने में इन्वॉल्व होती है। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि कैरेटिन प्रोटीन जो होती है वो हमारे नेल्स और हेयर्स बनाने में इन्वॉल्व होती है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स, जिसमें फर्स्ट बताई हुई है सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर प्रोटीन कहाँ
पर मौजूद होती है, सिल्क वर्म से भी मिलती है। उसके अलावा ये स्पाइडर वेब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो स्पाइडर वेब भी किससे बना होता है, इसमें भी कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है, सिल्क फाइबर प्रोटीन मौजूद होती है। इसी तरह से मायोसिन मैंने आपको बताया हमारे मसल्स में मौजूद होती है, ये एक मसल का स्ट्रक्चर है। और अगर इसका हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर ये देख सकते हैं आप कौन सी प्रोटीन मौजूद है, मायोसिन प्रोटीन मौजूद है जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है। इसी तरह से फिब्रिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, इसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉट करता है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। नेक्स्ट कैरेटिन, जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको एग्जाम्पलीफाई किया कि कैरेटिन वो प्रोटीन है जो हमारे नेल्स और हेयर्स में मौजूद होती है। तो इन एग्जाम्पल्स के साथ आपको इसकी प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो गई। मायोसिन से आपको पता चला कि ये इलास्टिक होती हैं, उसके अलावा कैरेटिन से आपको पता चला कि ये एक्वस मीडिया में इनसॉल्युबल होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड टाइप आ जाती है, दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब क्या कह रहे हैं, दीज आर स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पहले हमने फाइब्रस प्रोटीन्स में कहा था देयर कैन बी अ सिंगल और मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, लेकिन इसके अंदर हमेशा मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में फोल्ड होती हैं और फोल्ड होकर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये मल्टीपल पेप्टाइड चेन्स हैं, प्रोबेबली ये फोर पेप्टाइड चेन्स हैं, 1, 2, 3 और ये 4। तो ये 4 पेप्टाइड चेन्स फोल्ड होकर एक ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर बना रही हैं। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, तो फर्स्ट आ जाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन देम, कि अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें कौन सा स्ट्रक्चर कॉमनली मौजूद होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है दे आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडिया सच एज सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेसिस और एक्वस अल्कोहल, के ये हमारे पास एक्वस मीडिया में सॉल्युबल होती हैं, बट दैट एक्वस मीडिया शुड बी अ सॉल्यूशन, उसके अंदर मे बी वो सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है, या उसके अंदर अगर कोई एसिड और बेस ऐड है तो वो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर एक्वस अल्कोहल वगैरह में ये सॉल्युबल होते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड दे डिसऑर्गेनाइज विद चेंजेस इन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स। फिजिकल एनवायरनमेंट में मतलब कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस हों तो इसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, जैसे कि अगर पीएच चेंज हो जाए या फिर टेम्परेचर चेंज हो जाए या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड वहां पर ऐड कर दी जाए, तो इन सारी कंडीशंस में इसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल प्रोटीन जो कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, इसको जब एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में रखा गया, कौन सी कंडीशंस दी गई, टेम्परेचर और पीएच को चेंज कर दिया गया, इसकी नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट थी टेम्परेचर और पीएच की उसको चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से प्रोटीन स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं पूरे का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस तरह से प्रोटीन हमारे पास डीनेचर हो गई, और ये डीनेचर्ड प्रोटीन्स नॉन फंक्शनल होती हैं, ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, सो दीज आर हाईली सेंसिटिव। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स, जिसमें एंजाइम्स आ जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं या उनको कैटालाइज करते हैं। एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं जो कि हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं, जर्म्स वगैरह के अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। हार्मोन्स आ जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स हैं और हमारी बॉडी में डिफरेंट मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है हीमोग्लोबिन की, जो कि आरबीसीज रेड ब्लड सेल में मौजूद होती है, और ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, सो रेड ब्लड सेल में ये मौजूद होती है, एंड हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड नाउ इट्स योर टर्न, यू जस्ट हैव टू राइट नेम ऑफ एनी एंजाइम और एनी हार्मोन इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू डोंट नो देन जस्ट पुट अ क्वेश्चन मार्क एंड आई विल लेट यू नो different enzymes and different hormones that are working and that are very important for us, for our survival. Thank you so much.